शामिल करते हैं आपको अपने चैनल पे। अच्छा, आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है फिश का सालन। मछली का सालन हम बना रहे हैं, उसके लिए हमने जो है वो ऑयल ले लिया है आधा कप। उसको गर्म करके हमने तकरीबन एक, अगर बड़े साइज़ की प्याज है तो आप एक चॉप करके डाल दीजिएगा, और अगर मीडियम साइज़ की है तो दो ले लीजिएगा, ठीक है। उसको आप जो है वो उस तरीके से देख रहे होंगे आपको कि कलर आ गया। अब हम इस स्टेज पे जो है वो एक चुटकी मेथी दाना जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और सात आठ के करीब जो है कि कड़ी पत्ता जो है ये इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो है वो हमने लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। जो छोटी वाली बारीक वाली मिर्चें होती हैं ना, वो हमने तकरीबन ली हैं चार से पाँच, ठीक है। मीडियम साइज की वो हरी मिर्चें लेके, और लहसुन जो है वो उसका पेस्ट बना लिया, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखें, ये लहसुन जो है और हरी मिर्चें जो है इसका हमने पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें वही जो हम गोश्त के मसाला यूज़ करते हैं वही इसमें करेंगे, जिसमें हमने तकरीबन एक टेबल स्पून जो है वो नमक लिया है। सालन है तो थोड़ा सा नमक, ग्रेवी होगी तो नमक देख लीजिएगा, इतना काफ़ी होगा, नहीं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। और लाल मिर्चों का पाउडर एक टेबल स्पून लिया है, धनिया पाउडर दो टेबल स्पून है, और हल्दी जो हाफ टी स्पून है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये मसाला ड्राई इसमें जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम, और इसको तकरीबन हम एक गिलास पानी डाल के जो वो कवर करके रख देंगे, ताकि ये मसाला भुनने पे आ जाए। पानी खुश्क हो गया और ये भुनने पे आ गया, प्याज भी तकरीबन जो है वो आपकी घुल गई है। आप इस दही डाल के भी इसको भूनेंगे तो ये मज़ीद मसाला अच्छा बन जाएगा। दही तकरीबन हम आधा कप ले रहे हैं, ये दही हमने अच्छे से फेंट लिया। अब इसको हमने इसमें ऐड करके और भून लेना है। मसाला जो है वो दही डाल के भी हमने भून लिया है। अब हम इसमें जो है वो फिश के पीसेज ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 10 पीसेज हैं जो हम ऐड कर रहे हैं, रोहू मछली है। ये देखिए, हमारी फिश जो है वो अब पक चुकी है, और कपड़े से हिलाया हमने, चमचा इसमें नहीं यूज़ किया है। कपड़े से इसको मिक्स करके हिला के, और मसाला जो है वो अब थोड़ा सा नीचे से लगना शुरू हो गया, तो बस यही पहचान है कि फिश जो है हमारी डन है, मसाला भी डन है। आप इसमें आप ग्रेवी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, 1.5 गिलास काफ़ी होगा इसके शोरबे के लिए। और जो है वो नहीं ऐड करना चाहते तो ये इसी तरीके से आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे।